इस क्वेश्चन में है ए डिस्ट्रीब्यूटर ए डिस्ट्रीब्यूट्स आरएस 180 ए 180 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इक्वली अमंग ए सर्टेन नंबर ऑफ पीपल्स, कुछ पीपल्स हैं उनमें बी डिस्ट्रीब्यूट द सेम सम बट गिव्स टू ईच पर्सन आरएस 6 मोर देन ए डज, और बी भी उसी सम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है पीपल्स में लेकिन वो 6 ज्यादा दे रहा है, जितना ए ने दिया है उससे 6 रुपए ज्यादा देगा वो, एंड गिव्स द सेम सम टू 40% लेस देन ए डज, और ऐसा करने से अगर वो 6 रुपए ज्यादा दे रहा है ए से तो ए जितने लोगों को दे रहा है उससे 40 कम को मिलेंगे, बी जितने को डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो नंबर ऑफ पीपल्स 40 लेस होंगे ए से। हाउ मच डज ए गिव्स ईच पर्सन, ए हर आदमी को कितना देगा, तो ऑप्शनल क्वेश्चन है तो ये कैलकुलेशन की बजाय ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा। जैसे मान ले ए हर आदमी को 1 रुपया देगा तो 180 है अपने पास, तो हर आदमी को 1 रुपया मिले तो 180 परसेंट में डिवाइड हो जाएगा। अगर ए ने 1 रुपया दिया है तो बी का निकालेंगे तो बी 1 की बजाय कितना देगा, 6 रुपए ज्यादा देगा हर एक को, तो इसका मतलब बी कितना देगा हर एक को 7, और 7 से फिर इसको डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट तो आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब कंप्लीट नंबर ऑफ पर्सन नहीं आएंगे, तो ये ऑप्शन बेकार गया अपना। दूसरे पे आते हैं, अगर ए 3 रुपए दे रहा है हर पर्सन को तो 180 कितने पर्सन में डिवाइड हो जाएगा, 60, इसका मतलब ए 60% को डिस्ट्रीब्यूट करेगा 180, और इसके बाद बी का नंबर आएगा तो बी हर एक को इससे 6 ज्यादा देगा, अगर इसने 3 दिए है तो बी कितने देगा 9, तो 180 कितने पर्सन्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अगर हर एक को 9 मिले तो 20, और अब दोनों में डिफरेंस यानी ए तो 60% को दे रहा है और बी 20 को, तो 40% का डिफरेंस यानी ए 40% को ज्यादा दे रहा है और बी 40% को कम दे रहा है, इस और क्वेश्चन ने भी यही कंडीशन लगाई थी, इट्स मींस ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो है अगर ये ऑप्शनल आता है तब, अगर ये अपने पास सब्जेक्टिव होता है तब कैसे करेंगे इसको। मान लिया लेट ए डिस्ट्रीब्यूट दिस सम इन एक्स पर्सन्स, देन बी डिस्ट्रीब्यूट द सम इन एक्स माइनस 40%। ए तो एक्स पर्सन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और फिर बी ने इससे 40 कम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो एक्स माइनस 40% को बी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब हम टोटल सम निकालें तो अब अपने पास 180 है एक्स पर्सन्स में डिवाइड हो तो हर एक को कितना मिलेगा, जितना सम है उसको नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर दें, जैसे अभी हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया है तो अपने पास ए ने कितने पर्सन्स को डिवाइड किया है, 180 को कितने पर्सन्स में डिवाइड किया है 60 में, इट्स मींस हर एक पर्सन को कितना मिल रहा है 3, और ये आ कैसे रहा है, जितना टोटल सम है उसको नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा हर पर्सन को कितना मिलेगा, तो हर एक पर्सन को कितना मिलेगा अब 180 बाई एक्स, ये है ए वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग। बी वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग हर एक को जो मिलेगा वो बी में कितने पर्सन है एक्स माइनस 40, अब बी वालों को कितना ज्यादा मिल रहा है, ये जो रिजल्ट है ये ए वाले से कितना होना चाहिए 6 ज्यादा, क्योंकि बी ने ए ने जितने दिए थे उससे 6 ज्यादा रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए, तो दोनों का डिफरेंस जो है डिस्ट्रीब्यूशन का वो 6 का आना चाहिए। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, यहां से एलसीएम आ जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस 40, सभी टर्म्स को एक्स इंटू एक्स माइनस 40 से प्रोडक्ट करवा दें, जब ये टर्म इस नंबर से प्रोडक्ट होगी
तो ये डिवाइड वाला कैंसिल होके x बचेगा और 180 के साथ प्रोडक्ट होके 180x। जब इस टर्म को इससे प्रोडक्ट करवाएंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा और ये रिजल्ट बचेगा। इट्स मींस माइनस 180 इस रिजल्ट के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा। माइनस 180 जब x के साथ होगा तो माइनस 180x, और माइनस 180 जब 40 के साथ प्रोडक्ट होगा तो दो नेगेटिव नंबर्स की प्रोडक्ट पॉजिटिव, और 180 और इसकी कितनी हो जाएगी 18 और 4 की 72, और कितनी जीरोस बच रही है इसमें 2। और दूसरी साइड में अगर ये 6 के साथ प्रोडक्ट होगा तो क्या हो जाएगा 6x माइनस में सॉरी 6x स्क्वायर बनेगा, 6x बन जाएगा ये, और 6x फिर x के साथ होगा तो 6x स्क्वायर, और फिर ये 6x माइनस 40 के साथ होगा तो माइनस 240x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इन सभी टर्म्स को अगर 6 से डिवाइड कर ले तो ये तो 1200 बढ़ जाएगा 6 से डिवाइड होके, ये 6 से डिवाइड होके x स्क्वायर, और ये 6 से डिवाइड होके 40x। अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं तो सबको इस राइट साइड में रखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x तो पहले से था राइट साइड में, और ये हो जाएगा तो माइनस, और अब लेफ्ट साइड का रिजल्ट जीरो जो राइट साइड में लिख दिया अब हमने। इसको सिंप्लीफाई करें तो इसके फैक्टर प्रोडक्ट माइनस 1200 और सम माइनस 40, तो 1200 के जो फैक्टर होंगे 100 को तो क्या लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 5 × 5, ये तो हो गया 100। अब 12 को क्या लिखें 2 × 2 × 3, ये हो गया 12। यहां से प्रोडक्ट नेगेटिव आ रही है, प्रोडक्ट नेगेटिव आ रही है तो एक नंबर पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव। इट्स मींस एक नंबर 40 से ज्यादा और एक 40 से कम, डिफरेंस होके माइनस 40 बनना चाहिए, तो नेगेटिव नंबर ज्यादा रखना हमें, तो डिफरेंस है वो इवन है, तो इसका मतलब 2 दो टर्म्स में डिवाइड होगा। तो यहां से अगर ये प्रोडक्ट चेक करते हैं तो 15 और 15 की 4 के साथ 60, और ये कितना हुआ फिर 20। एक्स स्क्वायर ये इसके फैक्टर हो जाएंगे माइनस 60x और प्लस 20x, माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 60, फिर 20 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 60, यानी x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। यहां से इसके फैक्टर ये हो गए, तो दोनों ब्रैकेट्स को अगर जीरो के इक्वल दिखाएं तो इस ब्रैकेट से तो x की वैल्यू माइनस 20 और दूसरी से 60, और नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती क्योंकि x इसको रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पर्संस को, नंबर ऑफ पर्संस नेगेटिव में काउंट नहीं होते, काउंटिंग पॉजिटिव होती है ऑलवेज। तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी 60, तो इसका मतलब x कितने पर्संस में डिवाइड करेगा सम को 60 पर्संस में, तो हर एक को कितना मिलेगा 3।